देश में मॉनसून ऐसी मुसीबत लेकर आया कि यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यूपी से लेकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड का तो हाल ही मत पूछिए। इन राज्यों के शहरों और गांवों में लोग मौसम का प्रहार झेल रहे हैं, प्रकृति की मार झेल रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर इस मॉनसून की शुरुआत ऐसी है तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। यूपी के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट है। पंजाब के 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई इलाकों में आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले राजस्थान के पाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि नदी का पानी पुल के ऊपर आ गया। पानी से भरे पुल को पार करने के चक्कर में एक बाइक सवार इसमें फंस गया। पानी में फंसा ये शख्स अपनी मोटरसाइकिल को बहने से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तभी आसपास के लोग आ जाते हैं, मगर वो पानी के बहाव को देखते हुए आगे जाने की हिम्मत नहीं करते और तभी ये बाइक सवार नदी में बाइक समेत डूब जाता है। आसपास के लोग मूक दर्शक बनकर मौत का ये तमाशा देखते रहते हैं। पानी में जाने के बाद बाइक सवार अपने हाथ पैर चलाता है, कई बार ऊपर आने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती। पिछले कई घंटों से रेस्क्यू टीम इस बाइक सवार की तलाश कर रही है, मगर इसका आता पता नहीं चल पाया है। राजस्थान के ही जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों में तेज बहाव में पानी बह रहा है। यहाँ एक बाइक इसकी चपेट में आ गई। इस मोटरसाइकिल पर तीन लोग सवार थे, जिसके बाद इन तीन लड़कों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बाइक को बहने से बचाया। जोधपुर में इतना पानी भर गया कि यहाँ लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसके कारण घरों में रहने वाले लोग वहीं फंस गए। आसपास के लोगों की मदद से इनको निकाला गया। जोधपुर में ही नाले में फंसने से एक नगर निगम के कर्मचारी की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.